लोक में हो राजा महाराजाओं के यहां पहले बड़ा छूत छात चलता था। स्त्रियों को जब धर्म आता था ना तो वो महल के बाहर एक कमरा, वहां स्त्री जाके रहती थी 7 दिन। केकई उसी घर में जाके चली गई जहां अपवित्र स्त्रियां जाती हैं, और केकई अपवित्र हो ही गई विचारों से, राजा के प्रति गलत भाव हो गया, पति के प्रति गलत भाव, तो अपवित्रता आ गई। वस्त्र बदल लिए, श्रृंगार पहुंच दिया, बाल खोल लिए और जाकर शोक भवन में अंधेरा। राजा सबको खुशी देते देते केके के घर पहुंचे, राम के जाजा बनने की खुशी केके को भी मिले, और केके को सजाकर साथ लेके आऊंगा 4 बजे, हम दोनों मिलकर अभिषेक करेंगे राम का, ऐसा राजा सोचते हुए जा रहे थे। और वहां जाकर देखा तो दरवाजा खुला तो है पर चारों तरफ सुमसाम महल में। राजा के स्वागत के लिए रोज चिराग जलते थे घी के, आज सब बुझ गए महाराज। समय से पहले घर का दीपक बुझ जाए तो अपशगुन की पहचान है। अपशगुन है ना, राम को राज्याभिषेक होना है और दीपक बुझ गया तो कैसे भैया होगा अभिषेक? नहीं, राम की पूजा में आरती में दीपक बुझना ही अपशगुन माना जाता है। इसीलिए उसे भक्ति की श्रद्धा की हवा के स्वरूप में उसे पाखंड की हवा से बचाओ जिससे वो ना बुझे। उसे भक्ति का सहारा दो, श्रद्धा का संचय करो, दीपक जलेगा, जलता रहेगा। व्यापक हो गए महाराज, के कई करते करते राजा दशरथ महल में घूम रहे पर के जवाब नहीं देती है। अब राजा पहुंच गए वहीं अंधेरे में जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। के पड़ी थी, राजा का पैर टकराया, बैठ गए, के के ऊपर हाथ घुमाने लगे राजा। राजा ने कहा जागो ना, कैसे सो रही हो, आज तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। हाँ, राजा के शब्द देखिए, राजा की आयु क्या हो सकती है, 50 वर्ष से तो अधिक की है, कितनी है मालूम नहीं पर 50 वर्ष से ज्यादा के हैं राजा। राजा ने केकई को 50 वर्ष की आयु के बाद भी बूढ़े राजा दशरथ ने केकई को रात्रि के समय मृग नैनी के शब्द से उच्चारण किया। क्यों? औरत जब ऐसे नहीं बोल रही हो तो उसे अच्छे अच्छे नामों से बुलाना चाहिए। हाँ, और यहां तक कह देना चाहिए ए रूठनी बोलना, तो फिर उसका मन परिवर्तित हो जाता है। राजा ने सब कहा, तुम बड़ी रूठती हो, तुम्हारा नाम रूठनी ही रखना चाहिए था, सुंदरी, केक्सी, नैनी, मृग नैनी, ओ हो, ये सारे नाम उनको लेने चाहिए जो जवान है, जिनमें पत्नी का भाव है, पत्नी के लायक है। बूढ़े आदमी मृग नैनी बोले तो पोते नाती कैसे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हाँ, सुंदरी, दादा दादी को सुंदरी बोले तो बहू अपने आप ही गुस्सा हो जाएगी, देख ले ससुर के ठाट, दांत उखड़ गए पर सुंदरी बोलता। हाँ? सुनिए, कथा में बड़ा ज्ञान है महाराज, बहुत ज्ञान। कैसा ज्ञान है कि जब आदमी 50 वर्ष को पूरा कर जावे उस समय उसे घर में रह के ही सन्यास ले लेना चाहिए। सन्यास कैसा है? साथ रहो, साथ बोलो, साथ खाओ, साथ जाओ आओ, पर कहीं थोड़ा सा नियम पालना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, वेद शास्त्र पढ़ना। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ घर में लेकर स्वाध्याय धर्म ग्रंथों का करना चाहिए। नौकरी संसार के लिए बचपन में पढ़ाई की, ऐसे ही मुक्ति के लिए बुढ़ापे में पढ़ाई करना रहता है, उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। जब वानप्रस्थ घर में रह के बीवी के साथ रह के ही वानप्रस्थ किया जावे, और उसके साथ जब दोनों वानप्रस्थी हो जावे, दोनों का संयम अच्छा हो जावे तो दोनों संन्यास ले ले और बैरागी हो जावे, घर छोड़ छाड़ के सीधा किसी बड़ के पेड़ के नीचे ओ सा
ओम बोलकर प्राण छोड़ देवे, शरीर त्याग देवे, तो हरि कृपा हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा रामायण कहती है। आज मेरे प्रभु राजा दशरथ केकई के महल में, केकई के चक्कर में पड़ गए, अर्थात बूढ़े राजा में वासना पैदा, कामना पैदा हो गई, केकई को मनाने लगे, तुम जागो, तुम नहीं बोल रही तो मुझे कैसा भी लग रहा है, तुम्हारे बिना आवाज सुने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें हुआ क्या है। केकई ने राजा दशरथ को धक्का मार दिया, बस स्त्री धक्का मार दे तो सिर्फ और सिर्फ संन्यास लेना चाहिए पुरुषों को। इसमें ही भलाई है। राजा को धक्का मारने के बाद भी राजा गया, उधरी आया, फिर से हाथ टटोलने लगा, माथा टटोलने लगा, क्यों नाराज हो गई हो, क्यों धक्का मार रही हो, तुम्हें हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही। केकई ने कहा कि मेरा तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो गया, मैं मर गई, तू मर गया। सुनिए, कभी कभी क्रोध में आकर औरत ऐसा बोल दे कि मैं मर गई तेरे लिए, तो सच में मर जान दे उसको, बचा ले अपनी इज्जत। हाँ, कभी कभी क्रोध में आकर के ऐसा बोल दिया जाता है, मेरे लिए तू हमेशा के लिए मर गया, तुम भी मर जाओ, अर्थात दूर जाओ, दूर, और इतने दूर जाओ कि परछाई तक नजर नहीं आनी। आए, सम्मान, सम्मान बढ़ जाएगा, सम्मान, सम्मान बढ़ जाएगा, इतना सम्मान कि परिक्रमा लगाएंगी वो। सदगुरु भगवान पार्वती को कहते, पार्वती देखो कैसी है विदना की लिखी, और कैसा भाग्य है संसार में परमात्मा का, मनुष्य बनकर गए तो मनुष्य की सब लीलाएं प्रभु को करनी पड़ रही महाराज। आज श्रवण कुमार का श्राप राजा दशरथ को फल गया, ये जितना भी हो रहा है ना, ये सारा श्रवण कुमार का श्राप है, भांजे का श्राप मामा को, राजा दशरथ के भांजे हैं श्रवण कुमार, श्राप उनके माता पिता ने दिया था, पुत्र के लिए तड़फेगा तू, क्योंकि तूने जो गति की है मेरे पुत्र की, हम तो अंधे हैं, और जब तू पुत्र के लिए तड़फेगा तो तेरी आंखें बंद हो जाएंगी, तू अंधा हो जाएगा, अंधा। राम को दशरथ देख नहीं पाए, बनवास जाते समय अंधे हो गए, कभी आंखें नहीं खुलेंगी अब राजा दशरथ की महाराज, ये श्राप। और महाराज श्राप तो कभी बूढ़े लोगों का झूठा हो नहीं सकता, इसीलिए बूढ़ों का दिल मत दुखाना प्यारे बंधु। बूढ़े माता पिता दादी दादा का दिल दुख गया, उन्होंने एक अल्फाज भी तुम्हें श्राप दे दिया तो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा, वो कभी टल नहीं सकता है, अटल शब्द है, मरता क्या नहीं करता, मरने वाले का तो केवल दुआएं लो, आशीर्वाद। केकई ने कहा कि मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब तुम मुझे छुओ मत, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगी, और चले जाओ, और अगर तुम ईमानदार हो और रघुकुल में पैदा हुए हो, रघुकुल की आन मान शान को बचाना चाहते हो, तो मेरे जो दो वरदान हैं वो मुझे वापस दे दो। हाय हाय, पत्नी पति से हिसाब लेने लग जावे, समझ लो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, मामला खत्म। जिसके लिए आई है सब छोड़ के उसी से हिसाब ले रही है तो गलत हो जाएगा ना, जो ला रहा है, खिला रहा है, कमा रहा है, उससे हिसाब क्यों लेने का, हिसाब देने का घरवाली को, क्योंकि घर का हिसाब घरवाली के पास ही होना चाहिए और अधिक होता भी है, तो स्वामी मांगे न मांगे पर हिसाब पत्नी को, पति को देना ही चाहिए, पति का विश्वास बढ़ता है, तिब्बता बढ़ती है, पति का प्रेम भी बढ़ता है, पति नहीं पूछ रहा ना तो भी बताओ, क्योंकि पूरा पगार हाथ में आने लग जाए स्त्री के। राजा को धक्का पड़ गया, वचन मांग ले राजा ने,
राजा ने कहा कि वचन मांगना है तो रूठ क्यों रही है, मैं तो कभी भी दे दूंगा ना, ले वचन ले ले, पर हंस के बोल एक बार, सिर्फ हंस के बोल। ओहो, स्त्री की हंसी के लिए राजा कुर्बान होना चाहता है। जिंदगी में भी ना हंसे स्त्री तो क्या फर्क पड़ता है, पर बंधन में नहीं, संकल्प में आके कोई वचन मत भरना जीवन में। क्यों? वो दूखने वाली नस हाथ आ गई तो फिर कोई सुख नहीं है संसार में। इसीलिए तो कहा कभी भी स्त्री का उधार मत रखो, साथ ही साथ चुकाते जाओ। राजा ने उधार रख लिया और कैसे समय पे मांगेगी पता ही नहीं था राजा को। राजा ने कहा मांग लो दो वचन। कैकेयी ने कहा तिरवाचा भर लो, तीन बार शपथ लो राम की। ओहो रे, स्त्री के लालच में आए हुए कामी राजा, राम की शपथ ले ली राजा ने। राम भगवान की सौगंध है, भगवान की सौगंध, मैं भगवान की सौगंध, राम की सौगंध लेता हूं, तू जो मांगेगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। त्रिवचन भर लिए, भगवान की शपथ ले ली, माँ बाप बहन भाई धन दौलत संपत्ति सबकी सौगंध ले लो, पर भगवान की सौगंध कभी नहीं लेना चाहिए। हम झूठे भी हो सकते हैं ना, भगवान की शपथ लेना कितना बड़ा पाखंड है। दशरथ ने भगवान को कुर्बान कर दिया कैकेयी के स्त्री के सुख के लिए। बूढ़ा व्यक्ति स्त्री का जब शौकीन हो जाता है तो सिवाय नरक के कुछ भी हाथ लगता नहीं है। केवल राजा दशरथ का नहीं है ये, जो भी बूढ़ा स्त्री का शौकीन हो गया उसे नरक ही जाना पड़ा। स्त्री का शौक जवानी में, बुढ़ापे में न, बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए। है जवानी है ना स्त्री के साथ खेलने के लिए, साथ ही साथ बढ़ाना। कब तक? 50 वर्ष तक। 51 वन की स्थिति आ गई तो रामायण लेके आओ स्त्री नहीं, भागवत लेके आओ स्त्री नहीं, पर इतने विलासी हैं कि स्त्री मर जावे तो 60-70 साल तक भी शादी करने की इच्छा रखता आदमी। 70, अरे बाप रे, 70 साल में 5-6 साल के लिए बीवी लाके क्या करेगा? हैं? सोते सोते आकाश दिख रहा है तुझको, बीवी का क्या करेगा? पर मानता नहीं, कामी मन है ना, हैं? बर्बादी की तरफ चल रहा है ना। भक्ति को स्त्री बनाओ, भक्ति को, रामायण को माँ बनाओ, भागवत को पिता बनाओ, तब बुढ़ापा कटेगा तुम्हारा आनंद से, सुख से, शांति से। आज राजा दशरथ ने रघुकुल की मर्यादा को कहीं तो तोड़ दिया। जो रघुकुल के वचन के पीछे जान पर खेलने वाला राजा दशरथ आज अपनी बीबी अपनी पत्नी पर ही मर्यादा तोड़ बैठा। स्त्री पर मर्यादा सभी तोड़ सकते महाराज, स्त्री के अंदर गुणी ऐसे रहते, सबकी मर्यादाएं टूट सकती हैं, स्त्री के पास पावर उतना है, किसी भी मर्यादा पालक को हला सकती है, डुला सकती है, अगर लग जावे पीछे तो। इसीलिए कभी भी जिनकी मर्यादा है उनके साथ कभी भी आप गलत ना करें, गलत ना सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा करें। क्यों? स्त्री पीछे पड़ गई तो उसे कोई हरा नहीं सकता है दुनिया में, योगी ऋषि महर्षि कोई नहीं। इसीलिए कभी पीछे ही नहीं पड़ने का बुरे भाव से, निरंतरम तदगतम न दर्शनम पुण्य भावे अमृतम। अच्छा भाव रखो, प्रेम भाव रखो, अच्छा रखो, कोई भी रिश्ता रखो पर अच्छा अनुरागी भाव से रिश्ता जोड़कर अपने जीवन को अनुराग में श्रेष्ठता में बढ़ाओ। राजा दशरथ कामी, काम की वजह से घर में विनाश आ गया, क्योंकि जहां काम वहां राम नहीं। बुढ़ापे में काम शोभा ही नहीं देता ना, बुढ़ापे में काम नहीं शोभा देता, इसलिए तो वानप्रस्थ सन्यास कहा, जो बुढ़ापा आ जाए सन्यास। वन गमनम तदागतम दर्शनम, कहीं जगह नहीं मिले, जंगल में जाने में तकलीफ हो रही है तो किसी गुरु के आश्रम में जाओ, साधु के आश्रम में जाओ, वहां गुरु के साथ रहो, यज्ञ करो, भजन करो, दान करो, रोटी मिलती है वहां, वस्त्र मिलता है, ओढ़ने को बिस्तर मिलता है, मच्छर के लिए दवा मिलती है, चिंता मत करो, पर अपना बुढ़ापा संभाल लो, अपना बुढ़ापा संभाल लो। घर में रहो, चूल्हे में आग बुझी सी दिखती है,
पर जब हवा चलती है तो वही आग जल जाती है। बुढ़ापे में आग बुझी सी दिखती है, पर जब हवा चलती है कामना वासना इच्छा की तो वही राख में से भी क्योला निकलने लगते। महाराज बूढ़े बाबा का मन भी जंप मारने लगे है। इसीलिए बूढ़ापा बाबा, बाबा माने बड़ा, जब बड़ा हो गया तो अब छोटा क्यों हो रहा है, अब बड़ा हो गया तो बड़ा ही ना। बाबा मतलब बाबा माने बड़ा, बाबा का अर्थ है बड़ा। लोग मुझे बाबा कहते, मैं बाबा दिखता क्या आपको? नहीं, बाबा इसलिए बोलते क्योंकि मैं मान से बड़ा हूं ना, इसलिए बाबा। तो बाबा मान से बड़ा है, तो बाबा को बड़ा होना है तो हो गया। नाती पोते चाचा काका सब बाबा कह रहे, तो बाबा को अब छोटा नहीं होना चाहिए, बाबा को बड़ा हो गया तो बड़ा ही रहना चाहिए। और आदमी बड़ा कब होता है? त्याज्यम गतम गतम त्याज्यम, त्याज्यम गतम गतम त्याज्यम, धीरे धीरे त्यागता जावे त्यागता जावे त्यागता जावे, बड़ा होता जाता बड़ा होता जाता बड़ा होता जाता, और त्यागते त्यागते कैलाश तक चला जावे, शंकर तक हो गया बड़ा। हाँ होंगे कि नहीं आप बड़े? नहीं ना महाराज, हमारा तो मन ही लगता नहीं महाराज। बुढ़ापे में संगति चाहिए पत्नी की, जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापा वीरान हो जाता है। पर मैंने पहले कह दिया, स्वाध्याय सत्संग प्रवचन भागवत रामायण, पति पत्नी दोनों जैसे शंकर सुना रहे, पार्वती सुन रही, ऐसे ही दादी सुने दादा सुनावे, तो खूब साथ रहो, जिंदगी भर साथ रहो, अंतिम श्वास तक साथ रहो, दोनों एक ही साथ में जाओ। हाँ अच्छी बात है ना, साथ में रहो बुढ़ापे में, मन बट जाता है, बातें हो जाती हैं, सत्संग हो जाता है। हाँ ये सब होना ही चाहिए। पर मैं कामियों के लिए सुना रहा हूं संन्यास के बारे में, जो कामी नहीं है, जो धर्मात्मा है स्वाध्यायी है, उसके लिए घर में रहो बीवी के साथ रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए दोनों पक्ष मैंने रखे, रामायण के भागवत के और गृहस्थ के। अजन्मा गृहस्थ में रहकर भी हम सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकते। पहला वचन कैकेयी ने मांगा, राम की जगह मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। राजा दशरथ ने हंस कर दे दिया, अरे पगली, भरत राजा बनेगा तो मेरा पुत्र राम तो खुश हो जाएगा। ले, राम ने तो पहले ही वचन लिया है कि जो भी हो मेरे भाइयों को मिलना चाहिए पहले, और आज राम की ही लीला है, ये वचन में मांग लिया। दूसरा वचन गलत हो गया, दूसरा वचन मानो पति के प्राण मांग लिए, मृत्यु मांग ली, सब कुछ बर्बाद कर दिया। के मेरे पुत्र को राजगद्दी पहला वचन, और दूसरा वचन राम को 14 साल का वनवास। सुनत वचन दशरथ शुभ संता गए धरण पर, हाय हाय हलसा गए धरण बिलखा। राम का वनवास सुना केकई के मुंह से तो राजा दशरथ केकई को कुलटा कहकर धरती पर गिर पड़े और मूर्छा में चले गए, गैर होश हो गए, चक्कर खाकर गिरे। राजा दशरथ को ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहां पड़े हैं, मुंह में से लार टपकने लगी, आंखों में से आंसू बहने लगे, धरती पर गिरे। केकई मुष्टंड, मुष्टंड माने हिंसक होकर बैठ गई, पर राजा को उठाती नहीं महाराज, इतनी कड़क इतनी दुश्मन राजा की हो गई, नहीं उठाया राजा को, बैठ गई बाजू में। सुबह 4 बहुर सूर्य निकला, राम दौड़े कहां है पिताजी, सुमंत्र जी मंत्री दौड़े कहां है राजा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं राज्य अभिषेक की, पर राजा दशरथ रानियों को लेकर अभी राज्य सभा में नहीं आए। ऐसा देखने सुमंत जी अंदर प्रवेश करते हैं तो सुमंत जी ने देखा कि राजा दशरथ मूर्छा में पड़े
के कई बाजू में बाल फकीर कर बैठी है, आंसू टपक रहा है, लार टपक रही है। सुमंत जी चिल्लाने लगे, महारानी कौशल्या, सुमित्रा, हे राम, हे लक्ष्मण, भागो, तुम्हारे पिताश्री को कुछ हो गया है। सब दौड़े, सबने राजा को देखा, पुत्र राम, कौशल्या सब बिलखने लगे, तड़पने लगे। केकई को कुछ फर्क नहीं पड़ता महाराज, सब रो रहे, पर केकई ऐसे बैठी है पत्थर की शिला की तरह, हिंसक हो गई, चांडाल केकई बन गई। क्यों? विधना विधि को कोई टाल सकता नहीं ना, केकई तो बड़ी अच्छी थी ना, पर क्या हो गया महाराज, पल में प्रलय हो गई, संसार बदल गया। केकई बड़ी महान थी, मंथरा ने इतना फुसलाया, केकई बड़ी मुश्किल से विश्वास पे आई थी, इतनी अच्छी थी केकई, पर भाग्य विधाता ने सबके भाग्य में जो लिखा है सबको भोगना है महाराज। सुमंत जी ने पूछा, कौशल्या ने पूछा, अंत में राम ने पूछा, हे मां केकई, अच्छे भले राजा मेरे पिता तुम्हारे महल में आए थे, क्या हुआ मेरे पिता को बताओ, कैसे हुआ बताओ, क्यों हुआ बताओ। केकई किसी को नहीं बताती, राम को बोलती है और कटु शब्द में बोलती है, त्वजागते न कारणम वंदम दुखम न पितामह। राम धरती पर गिर पड़े सुनकर संस्कृत में, राम की भाषा में बोला केकई ने कि तेरे पिता को जो हुआ है उसका कारण तू है, तेरी वजह से तेरा पिता दुख में गया है। अब राम को ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और उसमें कूद पड़ूं, अब जिंदा रहना ही बेकार, पुत्र की वजह से पिता की ही हालत हो तो ऐसे पुत्र को जिंदा रहने का धर्म ही नहीं, अधिकार नहीं है। और राम तो ऐसे रघुपति राघव हैं, ऐसे पुत्र हैं कि उनके जैसा पुत्र तो पैदा अब कभी नहीं होगा। मरे का वचन पालने वाला वो पुत्र आज अपनी मां केकई के चरणों में माथा टेक कर रो रहा है। अब राम रोए तो कौन सोए, कौन हंसे महाराज? केकई ने कह दिया तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता का यह हाल हुआ है। राम से पूछा, केकई ने जवाब दिया, राम ने पूछा, मां स्वप्नो दर्श ना दिया दुख मोरे, कारण बंधन का करूं तोरे, जानत नहीं मैं काहू गुसाई, पर दुख देखई नाही माही। हे मां, मैंने स्वप्न में भी अपने पिता के दुखों की कामना नहीं की, और जीवन में मैंने कभी तुम्हारे दूध को पीकर ऐसा कोई कर्म ही किया नहीं जिससे मेरी मां और पिता को दुख भोगना पड़े, मेरा फल मेरे पिता को नहीं भोगना पड़ेगा। मां मुझे सच कहो पिता को क्या हुआ है। तब केकई ने कहा, तेरी वजह से हुआ है, तेरी जगह मैंने भरत को राजगद्दी मांग ली और तुझे 14 साल का वनवास मांग लिया। राजगद्दी तो तेरे बाप ने दे दी, पर तुझे 14 साल का वनवास सुनकर वो घायल होके गिर गए, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो तेरे पिता से अपने 2 वचन मांगे हैं, मैंने तुझे वनवास मांगा है। सुनत वचन माता के राम हर्षित रोवते हैं। राम हंस रहे हैं और रो रहे हैं, दोनों चालू हो गए, एक पागल की स्थिति हो गई राम की। पागल आदमी हंसता भी है रोता भी है, राम पगलापन कर रहे हैं। क्यों? राम ने अपनी मां के चरणों में बैठकर कहा, मां मेरे पिता को इस स्थिति में ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, सिर्फ एक बार अपने पुत्र राम पर भरोसा किया होता है। 14 साल तुमने मेरे पिता से मेरे लिए मांगे हैं,
अगर माँ केकई तुमने मुझे कभी भी पुत्र समझा होगा अपने मन में, तो 14 साल नहीं 14 जन्म भर केवल एक बार तुम्हें आज्ञा करनी चाहिए थी राम से कि राम तुम मेरी खातिर बन चले जाओ, तो 14 साल मेरे लिए 14 पल के समान है। माँ तुम 14 जन्मों तक भी मुझे बन में ही रखो तो भी मैं तुम्हारे पदरे का ऋण चुका सकता नहीं। राम ने अंत शब्द कह दिया। माता पिता का ऋण कैसे चुकाऊंगा, पर आपने गलत कर दिया कि मेरे पिता से ये कह दिया, मेरे पिता को आपने मूर्छित कर दिया, उन्हें मृत्यु का दर्शन करा दिया। पर मां जब तुम्हें 14 बरस का वनवास ही पुत्र को चाहिए है तो मेरी तपस्या भी हो जाएगी और मेरे पिता के वचन को भी सत्य में करना चाहता हूं, इसीलिए अब मैं वनवास अवश्य जाऊंगा। राम तैयार हो गए वनवास जाने के लिए। कौशल्या रुदन करने लगी अपने पुत्र का भाव देखकर, आंसू पहुंच लिए, हल्का दिल हो गया। सती सीता दौड़ कर आई, करुणा करने लगी, पति के पास जाना चाहिए पर नहीं गई। मर्यादा पालती बहू सास की, अपनी सास की गोद में आके हिलकी मार कर रो रही है सीता। सीता ने शब्द अपनी सास को कहे, जैसे मछली बिन पानी के, जैसे हिरणी बिन नेत्रों के, वैसे सीता बिना राम के अधूरी और अधूरी तड़प तड़प के मर जाएगी, इसलिए हे माँ मुझे राम से दूर नहीं करना, मुझे राम की सेवा का मौका मिला है, मुझे सेवा करने जाने दो। कौशल्या ने समझ लिया पति का वियोग क्या होता है, क्योंकि राजा दशरथ को अभी घंटों ही बीते हैं, बिना पति के कैसा लग रहा है कौशल्या को, 14 साल फूलों में रहने वाली सीता बिना पुत्र के बिना पति के रहेगी न। राम को समझाया कौशल्या ने, पुत्र सीता को साथ ले जाओ, क्यों 10 दिन नहीं हुए, मेहंदी हाथ की छूटी नहीं और बिना पति की हो जाएगी, साथ लेके जाओ। राम बसे घर माही जब बस तहु सुख और स्वर्ग, बिरत राम ना सुख बसे बसत है प्यारे नरक। राम जिस घर में है उस घर में ही सुख और स्वर्ग और शांति। जिस हृदय को जिस मन को जिस शरीर को जिस घर को राम छोड़ के चला जाता है वो शरीर डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। अब राम अयोध्या छोड़े तो अयोध्या जिंदा कैसे रहेगा महाराज, हमारा राम निकल जाए तो हम कहां जिंदा रहते हैं। राम राम रटते राम रटे रघुनाथ, तात मात सब बिरह सम राम गए कुल पात। जो राम की माला जपते थे आज वो सब राम को विदा करने को बैठे महाराज। याद रखिए महाराज, भाग्य विधाता की लीला है। दरबार सजा, सुमंत आए वशिष्ठ आए, राजा दशरथ सैया पे पड़े हैं, सारी रानियां दुख में बिरोई हुई हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने भगवे कपड़े धारण कर लिए, सीता सुहाग के ही जोड़े में है। लक्ष्मण ने कह दिया, पग विन चिन्ह धरो नहीं भ्राता सम जन मात, राम के बगैर क्षण भर भी जिंदा नहीं रह सकता मैं। हाय हाय रे बड़े भाई छोटे भाई का प्यार। मेरे बंधुओं, जीवन में कभी एक बार अपने भाई से इतना भी प्यार करके देख लो जो लक्ष्मण ने कर लिया। कभी जीवन में एक बार, हमेशा मत करो, रोज मत करो। पलन्न द्वैवान विद्वानम तद पुरुषान परवेताः। लक्ष्मण ने कह दिया मां से, मां राम के बगैर सिर्फ मृत्यु प्राप्त होगी लक्ष्मण को। जाऊं राम समेत मैं ना जीवन राम विरह,
जीवत राम ही मरत ही राम, नामे राम समाह। राम के बगैर लक्ष्मण क्षण भर नहीं रहना चाहता। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, भैया लक्ष्मण मेरे साथ ही तेरा विवाह हुआ है और तेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, कोमल है, तू मेरी सेवा में जाएगा तो तेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। लक्ष्मण, उर्मिला ने सुना मेरे प्रभु राम जी ने मेरे पति को सेवा से वंचित कर दिया, आय हाय रे उर्मिला, ऐसी पत्नी मिल जावे तो क्या कहने महाराज, कल्याण हो जाए जीवन का। उर्मिला चली, उर्माले सबसे पहले सिंदूर पहुंचा, चूड़ियां उतारी और मंगल सूत्र उतार कर राम जी के चरणों में रख दिया और कहा, देह विदेह राम सुन मैन सरऊं विर देह, स्वामी अर्पित कीजिए जलत देह पर देह। मैंने तो लक्ष्मण को त्याग दिया, अब लक्ष्मण को राम जी ले जाओ या छोड़ जाओ, लक्ष्मण मेरे लिए नहीं है, मैं तो वानप्रस्थ में बैरागिन हो गई। ओहो, राम जी की आंखों में अब तो पानी भर गया, अब राम जी से रहा नहीं जाता। क्यों? करि करुणा हरि हरि रोए, देख उर्मिला राम, काग वसंती बोलन लागे, मूर्छित भये सब धाम। उर्मिला को राम जी ने मन ही मन वरदान दे दिया, हे उर्मिला तेरे जैसी सती सृष्टि में अब कोई नहीं होगी, तूने मेरे लिए अपने पति का दान किया है और अपने सुख को कुर्बान किया है। राम जी ने उर्मिला को क्या वरदान दिया सुनिए। उर्मिला को कहा, सुन तूने इस अवतार में अपने पति को मेरा सेवक बनाया है और अपना पति छोड़कर तूने वैराग्य लिया है, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुझे राधा बनाऊंगा और तेरे पति को बड़ा भाई बलराम बनाऊंगा। ऐसा प्रभु राम ने वरदान दे दिया और सीता सुयोगित हो गए और सुमंत जी रथ लेकर आ गए। राम लक्ष्मण और सीता बन जाने के लिए रथ में बैठना चाहते हैं। अबधपुरी की गैया बछड़े खूंटा तोड़ कर दौड़े और रथ को गैयों ने रोक लिया। महाराज जीवन की पहली दशा नहीं है ये, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी गैया रोई हैं महाराज, जब गोकुल छोड़ा ब्रज छोड़ा, आज अबधपुर छोड़ रहे हैं प्रभु राम, तो गैया सबसे पहले आई, क्योंकि निर्जीव जीव ही ऐसा है जो हमारे दुख दर्द समझता है। अवधपुर के नर नारियां सुहागन स्त्रियां आ गईं, सभी पति आ गए, सब ब्राह्मण आ गए, वेद उठाकर लाए, सबने राम के सामने अपने को बिछा दिया, नहीं जाने देंगे और जाना है तो हम साथ जाएंगे। जिस नगर में राम को वनवास है उस नगर में हम नहीं रह सकते, शूद्र भी उस नगर को थू, शूद्र भी थूक रहे नगर के ऊपर, अबधपुरी के ऊपर। दुनिया में घर की मकान की शहर की गांव की तीर्थ की वैल्यू भगवान के सिवाय हो ही नहीं सकती है महाराज। रोवे चौखटवाड़ सब तुलसी अश्रु बहाए, ना जाओ वनवास प्रभु, ना जाओ वनवास, व्रत तोड़े सब धर्म हूं तोड़ो, तोड़ो सब मर्याद, प्राण गए रघुबर गए अबधपुरी शमशान, अबरपुरी शमशान बन गया, अयोध्या शमशान की तरह शुम साम,
चिड़ियां भी उड़ गईं, कौवे भी उड़ गए, सब राम के साथ वन की तरफ बढ़े। राम जी सुमंत जी के रथ में बैठे, सुमंत जी रोने लगे, रथ में जुड़े हुए घोड़े भी आंसू बहाने लगे। घोड़ो हो घोड़े पशु जानवर भी रो रहे राम के वनवास में महाराज। क्यों? जिन घोड़ों ने राम को बिठाया और जिन घोड़ों ने राम को घुमाया, सुख दिया, आनंद दिया, आज वही घोड़े राम को वनवास जा रहे लेकर के। तो घोड़े कह रहे हैं, महीन गतम न व्याप्तम योगम जीवोन चराचरम। हे धरती माँ, अगर आप फट जाएं तो हम अंदर चले जाएं। क्यों? हम राम को लाते हुए अच्छे लगते हैं, राम को विदा करते हम अच्छे नहीं लगते हैं महाराज। घोड़ों की सूझ देखो, समझ देखो, ये तो तुलसीदास की बुद्धि की समझ है जो उन्होंने पशु पक्षियों के भाव भी रामायण में बताए हैं। सच में कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, मोर पाल लो, जो भी पाल लो, पालने वाला जब मरता है तो सभी जीवों को कष्ट होता है महाराज। और राम तो सारे ब्रह्मांड के पालन करता है। आज उनके ऊपर संकट आया तो सारी मोहरियां सुनी हो गई, दरवाजे लकड़ियों के दरवाजे तक रोए, ऐसा रामायण में लिखा। रोने का मतलब होता है कि सब सूना हो गया। बेटी जब जाती है ना तो घर कैसा लगता है, खाने को दौड़ता है। बेटी ना तुच्छ है, वो कौड़ी भर भी कीमत नहीं तो भी घर सूना सूना, खाने को पूरा घर रोने को दौड़ता है। आज तो समस्त बेटियों का स्वामी, बेटियों का पिता राम बन गया तो पूरा अवधपुर सूना हुआ, खाली हुआ। और जब राम जी ने संयोजित किया, सम्मिलित किया भगवान राम जी ने, और देखा कि आज सब कुछ खत्म हो गया, चल पड़े अवधपुरवासी राम जी को लेकर अयोध्या से। अब राम जी आज सुमंत जी के साथ में कहां पहुंचेंगे, मैं आपको इस कथा को कल दर्शन करवाऊंगा धीरे धीरे। अब हम कुछ सूचनाओं के साथ जुड़ें और फिर आरती विश्राम। बलराम चंद्र भगवान की जय, भवन सुत हनुमान महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना, राष्ट्र का कल्याण हो। बड़े आनंद की बात है, लाइए भैया, अब आप तो दे दिए। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय। सत्संग तो बार बार होना ही चाहिए। कल मैंने कहा था भाई, कुत्ते परेशान है हड़पसर के, सूख रहे। आदमी लोग मांस खाते इसलिए कुत्तों का भोजन खत्म हो रहा है। आज वो आके बता रहे महाराज, अब हम भी लोग छोड़ना चाहते हैं आदमियों के साथ साथ में। तो पक्का ये कुत्ता देख लो आप, साधु की तरह एकदम सरल हो गया। इसलिए देखो अब तो कुत्ते भी सुधर गए, तो भैया आप लोग जल्दी से मांस अंडा छोड़ के आदमी बन जाओ। कुत्ते भी सुधरने आ गए और तुम लोग नहीं सुधरना चाहते। हाँ, माला डालो मत डालो, पर बुराई को त्यागना है, बस अंडा मांस छोड़ दो जिससे हत्या बंद हो जावे। और हम हिंदू हैं ऐसा हम गर्व से कह सकें, अभी हम गर्व से कहते हिंदू हैं ऐसा कागज पर लिखा तो देखा है, पर यह झूठा है। क्योंकि गर्व से हिंदू तभी कहलाएंगे जब अंडा मांस नहीं खाएंगे। गौदान जन्नी के लिए त्यांची नाव घेतो, ठेवळे आपण यायचे, राजू केकन आपण आरती लायचे। रामचंद्र भगवान की जय हो, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू राजा तन मन वारू, आरती उतारू लाला आरती।
स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।